तुम्हारा भी यही हाल है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब YouTube के ट्रेंडिंग टॉपिक्स की वजह से तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि कैसे ये सोशल मीडिया हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट कर रही है, एंड ये जानने के बाद भी हम इससे कट ऑफ क्यों नहीं कर पा रहे। एंड एडल्ट्स को छोड़ो, छोटे छोटे बच्चों को देखो तो उनको एक बार फोन दे दो वो पूरे दिन लगे रहेंगे स्क्रॉल करते हुए। ऐसा क्यों है कि हम इसे छोड़ नहीं पा रहे? इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स है, बट एक मेजर रोल प्ले करता है डोपामाइन। ये नाम तुमने बहुत बार सुना होगा, और जिसको नहीं पता तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं जिसमें राजू है और उसकी क्रश है चुटकी। तो चुटकी को इम्प्रेस करने के लिए राजू बहुत कुछ कर रहा होता है, बट वो कभी मानती नहीं। तो अब ऐसे ट्राई करते करते वो एक बार डांस करता है एक उसके सामने, एंड वो थोड़ा सा इम्प्रेस्ड दिख के, थोड़ा सा इम्प्रेस होके उसकी तरफ स्माइल पास कर देती है। एटलीस्ट राजू को ऐसा लगता है कि हाँ वो इम्प्रेस हुई। तो वो ये बिहेवियर बार बार रिपीट करता है चुटकी के आती, एंड ऐसे में क्या ही होगा? ऑब्वियसली चुटकी को लगता है कि यार ये राजू कितना क्रीप है, बार बार नाचने लगता है मेरे आते ही, एंड वो जितनी अटेंशन उसको देती थी उतना भी देना बंद कर देती है। तो दोस्तों हियर डोपामाइन इस चुटकी की अटेंशन, जिसको पाने के लिए राजू बार बार फालतू की चीजें करते रहते हैं जैसे कि स्क्रॉलिंग। बल्कि अगर वो एफर्ट डाले सही डायरेक्शन में तो शायद उसको अटेंशन मिल भी जाए। यही होता है जब हम चीप डोपामाइन रश के पीछे भागते हुए स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब सैचुरेशन आ जाता है और फिर उसके बाद वो स्पाइक आना, वो डोपामाइन हिट आना भी बंद हो जाता है और हम सिर्फ एक हैबिट लूप में फंस के रह जाते हैं जिससे हम बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये सारी चीज सबकॉन्शियसली होती रहती है तो हमें पता भी नहीं चलता कॉन्शियसली कि हाँ हम हैबिट में फंस चुके हैं इस। एंड दिस इज व्हाट दे कॉल एंगेजमेंट। तो क्या सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही है जो एंगेज रखता है? नहीं, होल सोशल मीडिया इज बेस्ड ऑन एंगेजमेंट। तुम्हें एंगेज रखने के लिए बहुत सारी टैक्टिक्स, बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं। इवन दे डिजाइन द ऐप इन अ वे सो दैट यू स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम ऑन देयर ऐप। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऐसे ही बढ़ते रहेगा? और अगर ऐसा ही रहा तो उन बच्चों का क्या जो ऐसी क्रूशियल एज में इसको कंज्यूम कर रहे हैं, उनका फ्यूचर कैसा होगा? दे विल लैक फोकस इन एवरीथिंग दे डू। विल दिस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रुइन द जनरेशन? तो इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। पहले लेट्स सी कि इन कंपनीज को जो ये इतनी सारी इंगेजमेंट इनके पास आ रही है उससे कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट द एड्स इन बिटवीन द रील्स आर स्किप्ड मोर ऑफन देन द फीड्स। सो दिस इज अ लॉस फैक्टर, बट ओवरऑल एंगेजमेंट तो फिर भी बढ़ ही रहा है ना। सो ओवर दिस मार्क जुकरबर्ग सेड करेंटली द मोनेटाइजेशन एफिशिएंसी ऑफ रील्स इज मच लेस देन द फीड्स। सो द मोर दैट रील्स ग्रोज even though it adds engagement to the system overall, it takes some time away from feed and we actually lose money. तो Meta को reels के वजह से असल में loss हो रहा है, engagement तो आ रही है but उसको monetize करना is still a tough task. So this is a ray of hope कि shifting to long form content again could be the next better move. Viewers के लिए भी और companies के लिए भी। हाँ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज नॉट गोइंग एनीवेयर दो, वो वहीं रहेगा, बट वी नीड टू चेंज इट अ लिटिल बिट। अब मुझे पता है कि इनमें से बहुत सारी बातें तुम्हें पता होंगी। इन्फॉर्मेशन एज जो है, हर जगह इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, बट तुम्हें शायद ये नहीं पता होगा कि हमारा ब्रेन इज इनसेनली कैपेबल। इस 74 GB तक का डेटा एक दिन में प्रोसेस करता है, विच इज इक्विवेलेंट टू वॉचिंग 16 मूवीज। और द फैक्ट कि सिर्फ 500 साल पहले ही एक हाईली एजुकेटेड पर्सन अपने पूरे लाइफ टाइम में इतना डेटा प्रोसेस करता था थ्रू रीडिंग बुक्स एंड स्टोरीज। एंड दिस इज द अडैप्टिव कैपेबिलिटी ऑफ आर ब्रेन टू दिस न्यू डिजिटल इन्फॉर्मेशन एरा। बट द पॉइंट हियर इज आर ब्रेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन, जिसका मतलब कि वो इंपॉर्टेंट चीजों को अपनी अटेंशन देगा और याद रखेगा, और अनइम्पॉर्टेंट या फिर लेस इंपॉर्टेंट चीजों को सिंपली इग्नोर कर देगा और भूल जाएगा। हमारे ब्रेन को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस करने में, और रील्स स्क्रॉल करते हुए हमें ये टाइम ही नहीं मिलता। इसीलिए तुमने देखा होगा अगर तुम आधे घंटे स्क्रॉल करते हो उसके बाद में तुम्हें कुछ याद नहीं रहता कि तुमने असल में क्या देखा या फिर क्या कंज्यूम किया। दिस इज बिकॉज तुम्हारी अटेंशन इतनी जल्दी स्विच हो रही थी कि तुम प्रोसेस ही नहीं कर पाए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस इज इट इज रियली एग्जॉस्टिव। इतना अटेंशन स्विच तुम्हारी बहुत एनर्जी खाता है। तो सोल्यूशन क्या है? इन माई ओपिनियन तुम्हें एकदम से सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। एकदम सब कुछ बंद करने से, डिलीट कर देने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम एकदम से सब कुछ बंद कर दोगे ना तो तुम्हारी जो वो अर्ज है इंस्टा चलाने की या फिर स्क्रॉल करने की वो एकदम से सप्रेस होगी। 7-8 दिन 10 दिन तुम शायद उसको मैनेज कर लो, कंट्रोल कर लो, बट एकदम से फिर वो जो एक्सप्लोड होगी वो शायद तुम्हारे कंट्रोल में ही ना रह पाए। फिर तुम 3-4 घंटे क्या पता निकल पड़ो फिर अपनी गाड़ी लेके। तो सबसे बेस्ट तरीका है इसमें डिफाइन करने का कि इतना टाइम मैं सोशल मीडिया चलाऊंगा, जैसे कि 20 मिनट चलाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। एंड इसके लिए तुम ऐप्स यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, या फिर तुम्हारे अगर फोन में डिफॉल्ट सेटिंग्स में कुछ है ऐसा
कि हाँ लॉक हो जाए 20 मिनट के बाद में, दैट इज वेल एंड गुड। और ऐसा नहीं है कि तुम बस स्क्रॉलिंग बंद कर दो एक दिन में और सब सही हो जाए। ये हैबिट है, बहुत दिनों में बनी है, तो इट विल टेक टाइम। ये जो तुम्हारा स्क्रॉलिंग का टाइम था, इसको तुम्हें फिल करना है नई हैबिट से। जैसे कि तुम बुक्स रीड कर सकते हो, अपनी हॉबी का कुछ कर सकते हो, स्केचिंग, पेंटिंग वगैरह, जो भी तुम्हारा मन करे। बहुत चीजें हैं करने को, वो करो, ट्राई आउट न्यू थिंग्स। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक अनाउंसमेंट है, मैं एक 10 दिन का चैलेंज लेता हूँ, जिसमें कि मैं 20 मिनट अपना इंस्टा और यूट्यूब का टाइम रिस्ट्रिक्ट करूंगा, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करती है आई फील। और 10 मिनट मेडिटेशन डेली एंड 10 पेजेस बुक्स के। ये समहाउ 75 हार्ड तुमने सुना होगा, ये ट्रेंड चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, तो उसका ही ये एक छोटा सा वर्जन है मेरे लिए, जो कि मेरे को फील होता है मेरे लिए वर्क करेगा। तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, डेली मैं तुम्हें अपडेट करूंगा एक शॉर्ट क्लिप के साथ में। तुम उसको एज अ चेकलिस्ट भी ले सकते हो अगर तुम्हारा मन करे तो। और जो जो तुम में से ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है 10 दिन के लिए, वो नीचे कमेंट में जाओ और लिखो कि मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ अगले 10 दिन के लिए। और ये 10 दिन का इसलिए रखा है क्योंकि 10 दिन इज डुएबल, मतलब हमारे ब्रेन को एक वैलिडेशन चाहिए होता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, तो वो और ज्यादा पुश करता है। तो इसलिए मैंने छोटा सा एक स्मॉल स्टेप रखा है ये एज अ चैलेंज। एंड 10 दिन के एंड में उस चेकलिस्ट का तुम एक फोटो क्लिक करके शेयर कर सकते हो इंस्टा स्टोरी या फिर उसमें मुझे टैग करके। आई विल अप्रिशिएट इट। टेक अप दिस चैलेंज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।